राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को मात देकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं हवा महल सीट पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया और यहां से बीजेपी उम्मीदवार स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस के नेता आरआर तिवारी को 974 वोटों से मात दे दी। अब खबर ये है कि जीत के बाद स्वामी बाल मुकुंद सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाल मुकुंद आचार्य सड़क किनारे बिकने और बनने वाले नॉन वेज को लेकर जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को इसे बंद करने का आदेश दे रहे हैं। पहले आप इनका वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर आपको बताते हैं। और तेरा अवैध काम चलता रहेगा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन ये सनातनी लोग हैं साहब, ये अवैध काम इस प्रकार के चलने नहीं देंगे। कोई भी हो, उनसे भी तो निवेदन है कि आप लाइसेंस से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अवैध इस प्रकार से रोड पे खड़े होके नॉन वेज बेचोगे तो हमें बर्दाश्त हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि कल हुई काउंटिंग में कांटे की टक्कर देखने को मिली। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य को जहां टोटल 95,989 वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ तिवारी को 95,015 वोट मिले। हालांकि जब स्वामी बाल मुकुंद को बीजेपी ने टिकट दी थी, तब सभी कार्यकर्ता चौंक गए थे, क्योंकि इनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में जानी जाती है। चलिए अब इन्हीं का परिचय आपको देते हैं कि आखिर कौन है ये स्वामी बाल मुकुंद। दरअसल स्वामी बाल मुकुंद हाथोस धाम के महंत हैं और राजस्थान में उन्हें हिंदूवादी नेता के रूप में देखा जाता है। वो जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही इन्होंने अपने नियम और कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं राजस्थान के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 199 विधानसभा सीट में 115 पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस सिर्फ 79 सीट ही अपने नाम कर पाई, जबकि 2 सीटें बीएसपी और 13 सीटों पर अन्य दलों ने बाजी मारी। अभी फिलहाल सीएम पद को लेकर भाजपा के अंदर जयपुर से दिल्ली तक मीटिंग का दौर चालू है। अब ये देखने वाली बात होती है कि किस चेहरे पर आखिरी मोहर लगती है, क्योंकि सीएम पद की दावेदारी में करीब 20 चेहरों का नाम सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अगला सीएम कौन हो सकता है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।